डियर स्टूडेंट, आज हम चार क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है और किन टेक्निक्स पर यह अप्लाई होता है, टू विच टेक्निक्स इट इज एप्लीकेबल, तो ये आज हम पढ़ते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसका फार्मूला क्या है, किन टेक्निक्स में ये अप्लाई होता है, इस्तेमाल होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इट इज ए रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट? इट इज अ रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, इसे के से शो करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट एंड स्टेशनरी फेज। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट एंड मोबाइल फेज more will be the value of k and vice versa. अगर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में ज्यादा होगी स्टेशनरी फेज की रिस्पेक्ट, तो k की वैल्यू ज्यादा होगी। इसी तरह अगर मोबाइल फेज में कंपोनेंट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में कंपोनेंट की कंसंट्रेशन से कम होगी, तो इसकी वैल्यू कम होगी के। अब किन टेक्निक में ये इस्तेमाल होता है, कौन सी टेक्निक है इसके को फॉलो करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को, पार्टीशन कोएफिशिएंट को? It is applicable to solvent extraction technique,
as well as chromatography. Solvent extraction technique और chromatography में ये जो है apply होता है.